नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के गाजीपुर में जहां सेवराई तहसील क्षेत्र के गोटसरा गांव में बना राजीव गांधी पर्यावरण केंद्र अराजक तत्वों की भेंट चढ़ चुका है। ग्राम पंचायत एवं प्रशासन की लापरवाही से यह केंद्र नशेड़ियों एवं अन्य अराजक तत्वों का अड्डा बना पड़ा है। आपको बता दें कि वर्ष 2004-2005 में तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद फिरोज खान कादरी के प्रस्ताव पर SGRY के तहत लाखों रुपए के लागत से राजीव गांधी पर्यावरण केंद्र का निर्माण कराया गया था। निर्माण के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा इस भवन को ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत की उदासीनता के कारण अराजक तत्वों द्वारा इस भवन में लगे दरवाजे, रोशनदार खिड़की, बंगला आदि सामान चुरा लिया गया। इसकी स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। प्रशासन की लापरवाही से ये जगह अराजक तत्वों का अड्डा बन पड़ा है। इस संबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं प्रस्तावकर्ता फिरोज खान कादरी ने बताया कि 2005-2006 में यह भवन ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया था एवं इसके रख रखाव एवं नवनिर्माण का जिम्मा ग्राम पंचायत को ही करना था। जब ग्राम पंचायत इसका रख रखाव नहीं कर पा रही है तो इसको उद्यान या वन विभाग को सुपुर्द कर देना चाहिए। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं था, अब मालूम हुआ है, अब इसमें आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिरोज खान कादरी, संयोजक उपे वतन तरक्की पसंद सोसाइटी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत गाजीपुर गोड़सरा। इसकी जिम्मेदारी जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को हैंड ओवर किया। जिला पंचायत ने इसका निगरानी और इसकी मरम्मत ग्राम पंचायत के जिम्मे है, क्योंकि राजस्व के तहत तालाब जो है ग्राम पंचायत के अधीन है, इसलिए जिला पंचायत ने भाई इम्प्रेस ऑफ ओम प्रकाश सिंह जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत को जलाल खां प्रधान के कार्यकाल में हैंड ओवर कर दिया 2005 और 2006 में। ये जिला पंचायत को उद्यान विभाग या वन विभाग के हैंड ओवर कर देना चाहिए। उद्यान विभाग ही इसकी मैं निगरानी कर सकती है। रकबा 4 बीघा 2 मंडा 10 दूर है। आपने राजीव गांधी पर्यावरण केंद्र गोड़सरा के बारे में बताया है, प्रकरण संज्ञान में नहीं है और अब संज्ञान में आपने बताया है, तो फिर इस पे आगे कार्रवाई की जाएगी।